हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोहाना में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इस कड़ी में आने जाने वाले सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने शहर भर के मुख्य मार्गों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों की माने तो चुनाव के दौरान यूपी और दिल्ली से ज्यादातर अवैध हथियारों और शराब की तस्करी की जाती है, जिस पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही शहर और गांव में जितनी भी लाइसेंस धारक हैं उनको भी चुनाव के चलते अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान, जब तक चुनाव कंडक्ट नहीं हो जाता, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आपके गांव में, आपके आपके आसपास हो रही है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे। जैसे कोई रात को 10 बजे के बाद प्रचार कर रहा है, मतलब इलीगल साउंड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई दारू का वो कर रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को। नाके चलाकर हम हाईवे पे नाके लगा रहे हैं और गांव के अंदर भी नाके लगाकर हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। और रूटीन में जो पीओ हैं, बेल जंपर हैं, जो जिनसे इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन के दौरान कुछ उपद्रव होने की संभावना है, हम उनको भी ट्रेस आउट कर रहे हैं।